बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ईद मुबारक आप सबको, हमेशा खुश रहें। तो ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। ईद पढ़ के वापस आए हैं और जो है ना, ये देखें, आज जो है बड़ा गोश्त खाने का मन था। ये है तो छोटी ईद, लेकिन हमने सोचा कि कोई अच्छी चीज़ खाते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ यानी कि जो गोश्त है, ये अक्सर जो है ना, यानी हमारे मेरी जो सिस्टर्स हैं वो इस गोश्त को प्रेफर नहीं करती, मतलब ज़्यादातर नहीं खाती, पता नहीं क्या वजह है। तो अजान हो रही है अम्मी जान, तो गोश्त की बात हो रही थी। गोश्त इसलिए नहीं खाती कि वो कहती हैं कि यानी कि ये जो है ना, स्टमक को ख़राब कर देता है। क्यों अम्मी जान जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। तो आप सब जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, हमारी यही दुआ है। आमीन। हाँ जी, तो आज फाइनली यानी कि ईद का दिन भी आज आधा ख़त्म हो गया, और हम जो है ना थोड़ा लेट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। हाँ, और थोड़ा सा यानी कि तीसरा दिन है आज, बीमार हैं तो इसलिए बोला थोड़ा सा नहीं जा रहा। हाँ, जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है खांसी की वजह से ना। खांसी, हाँ, रात भी बहुत ज्यादा, रात भी अम्मी जान जो है ना वो थोड़ा खांसती रही है, टैबलेट्स। हाँ, बहुत ज्यादा तबीयत जो थी वो खराब थी, टैबलेट्स वगैरह ली थी, अभी ली हैं, अब कुछ बेहतर फील कर रही हैं। पसीना आ रहा है, ये देखें, पसीना तो आएगा, अच्छी बात है ना। इसलिए तो वो बात चल रही थी बड़े गोश्त की। तो जी, ये जो हमारी मेरी बेटियाँ हैं, जीशान की सिस्टर है, तो ये बड़ा गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती, कम खाती हैं, यानी कि जो चिकन है ना वो ज़्यादातर खाना पसंद करती हैं, क्योंकि उनके अब्बू जो थे ना वो बचपन से ही उनको कि चिकन वगैरह जो है वो खिला रहे, चिकन छोटा गोश्त खिलाते रहे हैं ना। तो वहाँ जो हम विलेज में थे, थोड़ा बहुत यानी कि वहाँ लेते थे, तो लेते छोटा गोश्त थे, तो इसलिए उनकी आदत पक चुकी है और वो ये जो है वो नहीं खाती, कम खाती है। जीशान थोड़ा सा लेकर आया है मैंने। अच्छा, ये देखिए, मैंने ये बड़ा गोश्त भी थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा चिकन भी लिया है। हाँ, वो उनके लिए स्पेशली। हाँ, उनके लिए वो बना कर ना वो उन्होंने खा लिया है, अब ये मैं बना रही हूँ जीशान के लिए। और ध्यान करें, जीशान के लिए बना रही हूँ, मैंने तो रात को ना यही बना देंगे, और सुबह हमने सेवियाँ वगैरह जो थी वो भी बनाई थी सुबह सुबह जब जीशान नमाज ईद की पढ़ने गए। मैंने इधर साथ ही जो मस्जिद है ना उधर ही नमाज पढ़ी। हाँ, तो जीशान अब्बू के पास भी जाएंगे कल। हाँ, कल जाऊंगा, कल अब्बू के पास जाएंगे, और क्योंकि आज जो है ना खत्म शरीफ जाएंगे ना। हाँ, आज जो है ना, आज अक्सर जो है वो यानी कि वो होता है ना, एक तो यहाँ से दूर है बहुत ज्यादा, और वहाँ पर ना वो रश वगैरह होता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा रश होता है ना, फिर कल जाएंगे इंशाल्लाह। बेशक अपनों से जो बिछड़ जाते हैं। हाँ, वो बहुत जो वैसे भी जाना चाहिए, कहते हैं कि जो अपने आप से बिछड़ जाते हैं वो भी इंतजार में होते हैं कि हमारी औलाद जो है वो हम पर यानी कि खत्म शरीफ करे और हमारे लिए आगे आसानी पैदा। हाँ, आके यानी कि हमारे पास चक्कर, आप भी जरूर चक्कर लगाया करें अपने, यानी कि जितने भी हैं। पिछले रमजान में हमने पिछले माह रमजान में हमने यानी कि मैंने अपना खावंद खोया, इस बार इस माह रमजान में ना जीशान की फूफी जो है वो फौत हो गई, वो हमसे जुदा हो गई। तो यानी कि अब हमारे जो बड़े हैं वो अब यहाँ से जा रहे हैं। आपके अब्बू को फौत हुए कितना अर्सा हुआ है? मेरे अब्बू को फौत हुए तो बहुत 8 यानी कि 10 साल के करीब होने वाले हैं। मेरे अबू काफ़ी ज़्यादा यानी कि हम वहाँ थे विलेज में तो फोत हो गए थे, काफ़ी अर्सा हुआ है। इसे चेक करती रहें। तो हाँ, मैं बात कर रहा था, आपको ज़रूर जाना चाहिए, तो वो जो है ना आपके इंतज़ार में होते हैं कि हमारे यानी कि जिनके बगैर हमारी ईद भी नहीं होती थी, तो आज वो नहीं है। हाँ, तो फिर भी ईद वक्त तो चलता रहता है, लेकिन लेकिन ये देख लें ना, सुबह शाम बात तो वहीं आकर रुक जाती है कि हमारे अब्बू होते, काश हमारे अब्बू होते, हम उसके साथ ईद मनाते, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, सब जो है वालदैन की कमी ज़रूर महसूस करते हैं। आप अब आप खुद देख लें ना, हम अपने अब्बू की कमी महसूस करते हैं, तो आप भी तो बहुत ज़्यादा हम मिस करते थे, पहले हम भूल भी नहीं सकते थे, फिर इतने अरसा हो गया, अभी भी हमें अब्बू याद आते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, चले काम करें, मैं नमाज पढ़ लूँ। हाँ, पढ़ लें आप नमाज। सो जी, पानी की जो है ना वो शॉर्टेज हो गई है, और ये कोई बोतल है,
नैरो परफेक्ट टेस्ट, कोई लोकल कंपनी है 5 लीटर की। तो ये स्पेशल जो है ना मैं लेकर आया हूँ, जो हमारा गोश्त पड़ा हुआ है ये देखें, ये जो है ना ये गोश्त पड़ा हुआ है, इसमें से ऊपर ऊपर से कुछ बोटियां जो है ना वो खा गए हैं। नहीं खाता है, नहीं खाया, वैसे है थोड़ा सा, एक आध जो खा आपने खाई होगी, एक दो बस। इसी को यानी कि मैंने ना वो करने के लिए, और शॉप्स वगैरह कोई खुली हुई नहीं है, बंद है, सब्जी वाली हर कोई जो है ना सब जो है वो ईद मनाने घर जाते हैं ना, बड़ी बड़ी ईद होती है और सब लोग जो है वो चले जाते हैं। अभी भी कुछ दुकानें जो है वो बंद है, कुछ चल रही है, तो पानी में छोटी ईद होती है, बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तो वो होती है ना ईद उल अज़हा। हाँ, तो अब मैं पानी भर कर ना फ्रिज में रख रही हूँ, नॉर्मल पानी हम जो है वो यूज कर रहे हैं, ज्यादा ठंडा नहीं, तो ये तो वैसे भी गर्म होता है ना। हाँ नॉर्मल ही है इतना, यानी ठंडा नहीं है, ठंडा भी है नहीं, ये ठंडा होता ही नहीं है ना, ये तो वैसे जिख्याल लेकर आया है ना। वो पानी आने वाले से बात हुई है कि वो किस कहीं लोधरा में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने चले गए हैं, जब वो आएंगे ना फिर दुकान खोलेंगे, फिर वह जाकर ना जिख्याल, वो बड़ी वाली कुपी हमने ली हुई है तो उसमें से भर के लेकर आएंगे। वो कह रहे थे कि ईशा की नमाज के बाद ना मैं आऊँगा, तो आप फिर वह आ जाना, तो आपने भर लेना है पानी वगैरह जो है। तो पानी की अच्छा ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो इसलिए पानी अब ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही से बात, निशान थोड़ा सा पीछे हटे, मैं पानी भरती हूँ, और काफ़ी टाइम हो चुका है, हम भी थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे, बर्तन वगैरह भी नहीं धोए, हम सो गए थे दोपहर को, और खांसी ने इतना जलील किया ना, बस क्या सोना, खांसी खांस खांस करना, मैंने गोलियां भी खाई हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। खोले इसको जिशान, खोले, खोले। मेरे हाथ जो है ना वो हो गए, कैमरा पकड़ूंगा मैं, खुद खोलती नहीं, खोल रही ये तो। ऐसा करें ना, वो जो क्या कहते हैं उसे, छुरी से इसको थोड़ा सा कट लगाएं। ये न्यू है ना, इसलिए मुझे डर लगता है मैं किसी इधर से नहीं, हाँ। इधर से लगाएं, और नहीं है दिखाएं, ये पकड़े कैमरा, आप जो है ना इसको इस तरह से नहीं कर रही थी, अब जो है ना ये खुल जाए, तो आप ऐसे करके जोर लगा रही थी, लेकिन थोड़ा सा काट देना होता, सील बनती ना इसलिए, सील बनती, और ये पानी बहुत ही यानी जो है ठीक है, थोड़ा सा यानी महंगा, यहां पे तो यही यूज होता है ना सब, यही हम जो है ना इधर यानी कि जो है ये वाला पानी यूज नहीं करते, फिल्टर्ड वाटर यूज, बहुत खराब है ये वाला, इसमें जो है ना अजीब किस्म की स्मेल आती है, जैसे हफसा हुआ हो पानी, अक्सर यानी कि जो भावलपुर का पानी है वो सही नहीं है, इस वजह से जो है ना ये यूज करते हैं। और आज रोजा जो है अजीब सी फीलिंग है, रोजे खत्म हुआ है ना, जैसा लगता है कि यानी कि बंदा पहली रूटीन ना हो बल्कि रमजान वाली रूटीन ही चल रही हो, तो थोड़ी थोड़ी रूटीन जो है वो इंशाल्लाह चेंज होगी। माशाल्लाह से हमारी ईद होते होते शाम हो गई है, वो ये गलते यकीन करें शाम हो गई, अभी तक बस ऐसे समझ रहे, जितनी मैंने कोशिश की है ना अभी तक भी गुजारे लायक गली है ऐसे समझ ले, तो काफ़ी ज़्यादा लगता है वो जो उन्होंने बनाई थी वो बहुत सख्त थी, तो अब इसमें मैं डालती हूँ पानी, बस थोड़ी देर के बाद बन जाएगी, अब मैं उतार करना रोटियाँ वगैरह जो है वो लगाती हूँ, निशान नमाज पढ़ के अभी आप पहुँचे हैं, तो कल किसी जगह जाने का प्लान है आप लोगों का? अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि इतनी हमें खांसी है और बुखार है, तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा आप वो बात कर रहा था, आज मैंने एक पार्क से चक्कर लगाया, काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ, आपको तो लग रहा है लेकिन बच्चियाँ भी सब बीमार हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं फिर जाने का देखते हैं। थोड़े यानी कि कुछ दिनों कुछ अच्छी यानी कि जो सेहत वगैरह है वो ठीक हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह से। तो और क्या व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर, छोटा सा व्लॉग है और एक ही जगह खड़े रह गए हैं, माजरत के साथ कहीं गए नहीं हैं, अभी कहीं नहीं जा सकते सॉरी, तो इंशाल्लाह कल
कल एक नई वीडियो में आप सब की खिदमत में हाजिर होंगे और बहुत ज्यादा दुआ किया करें हमारे लिए भी, हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा आपका मुस्कुराता रखे बिल्कुल फूलों की तरह। तो इंशाल्लाह से ईद का पहला दिन, जैसा ईद का पहला दिन आपका कैसा गुजरा है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डे है कल का दिन और परसों का दिन, वैसे तो दूसरा दिन ही ईद का यानी मेन दिन होता है, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि कल का दिन जो है वो किस टाइप की मसरूफियत रहती है। और फिर जो है ना बहुत तो सारे काम पड़े हैं वो भी करने हैं, अभी चार पाइयाँ बनवानी है, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। अम्मी कह रही है चार पाइयाँ बनवानी है, तीन चार, और मकान भी ढूंढना है कम रेंट वाला। हाँ तो यानी रेंट वाला इतना ही होगा 15-16 तक मिलेगा, लेकिन यही है कि साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, तो जैसे ये है ना इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मकान ढूंढ रहा है, मैंने बंदे को प्रॉपर्टी डीलर से मेरी मुलाकात हुई है बाकायदा से, आपको भी दिखाऊंगा, उससे मिलवाऊंगा, उससे बाकायदा बात करेंगे। पानी डाल दें, पानी भी खत्म होने वाला है इशा के टाइम अब आएगा पानी। तो आपसे कहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो आप भी अल्लाह हाफिज़ कह दें। अल्लाह हाफिज़।